पुलिस 40 की संख्या में तब घुसती है जब केवल दो बेटियां घर में हैं, तो वो पुलिस करने लगी। पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कोई बलात्कार पीड़िता अगर आपसे मदद मांगने जा रही है तो थाने में बलात्कार की बात सामने आ रही है। उन्होंने मंत्री बना दिया, उन्होंने कई मंत्री और विधायक बना दिए आपके बीच से, तो अब आप क्या अपनी जाति का बिरादरी का देख करके उसके साथ हो जाएंगे? ये तो सवाल चुनौती है दलितों पिछड़ों के ऊपर। मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ, उसके बाद फिर मथुरा अयोध्या, इसी पर बहस हो रही है। तो उनके पास तो ये तंत्र पहले से थे, उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? चंदौली में एक बेटी जिसके पिता पर यह आरोप लगा दिया गया कि वो अवैध काम करता था, जलाबदर था, पुलिस 40 की संख्या में तब घुसती है जब केवल दो बेटियां घर में हैं, पूरे मारपीट करती है, बेरहमी से मारती है, उसके बाद दूसरी बेटी को दूसरे कमरे में ले जाकर के जाने किस रूप में क्या अत्याचार ढाती है, परिवार वालों के तो बहुत संगीन आरोप है। उसके बाद जब पुलिस जाती है तो दूसरी बहन देख रही है कि बड़ी बहन की लाश लटकी हुई है पंखे से, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में कोई हलचल नहीं। ललितपुर में जो हुआ, अब तो इसका मतलब ये कि पहले रिजीम में ये हो रहा था कि जिन्हें आतताई गुंडे बनाए गए थे, जो बीजेपी के गुंडे कहे जा रहे थे, तमाम हिंदूवादी संगठन के, वो जो काम करते थे, अब तो वो पुलिस करने लगी। पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि कोई बलात्कार पीड़िता अगर आपसे मदद मांगने जा रही है तो थाने में बलात्कार की बात सामने आ रही है, मारा पीटा जा रहा है कपड़े उतार करके। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की आवाम को ये तय करना होगा, जो दलित पिछड़े आदिवासी तो खैर, लेकिन दलितों का तो आप देखिए ना कि चुनावों के वक्त योगी जी गए खाना खाने तो उसको चुनावी एजेंडा बता दिया गया, लेकिन योगी जी कंसिस्टेंट हैं, अभी भी जा रहे हैं दलितों के घर खाना खाने। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस समय ईमानदारी और मेहनत से कोई काम कर रहा है तो बीजेपी है। वो नफरत का काम इतनी मेहनत से कर रहे हैं कि अब तो वो हर चाल चलेंगे ना। जैसे सामाजिक न्याय की बात हो रही थी कि पिछड़ों को, दलितों को हिस्सेदारी नहीं दी, वो देने लगे। उन्होंने मंत्री बना दिया, उन्होंने कई मंत्री और विधायक बना दिए आपके बीच से, तो अब आप क्या अपनी जाति का बिरादरी का देख करके उसके साथ हो जाएंगे? ये तो सवाल चुनौती है दलितों पिछड़ों के ऊपर। अगर ये सारा सामाजिक न्याय बीजेपी कर रही है तो इतना अन्याय अत्याचार दलितों पर क्यों हो रहा है? यादवों के ऊपर हो रहा है, यादवों में से भी बहुत बड़ा तबका है जिसको मन ही मन रखता है कि वो हिंदू भी बन जाएंगे। अब देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, यही हिंदू राज है जो चंदौली में हो रहा है, जो ललितपुर में हो रहा है, जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है, वो एक तरफ हो रहा है और उसको अच्छा, जब से सरकार बनी है योगी जी सारा काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, सबसे प्रेम से मिल रहे हैं, माँ से मिल रहे हैं, माँ को भी कैसे इवेंट बनाया जाता है उन्होंने सीएम ने पीएम से सीखा है, वही काम वो अभी कर रहे हैं जो आपके सवाल में कि दलितों का खाना भी खा रहे हैं। ये हम अपने नेताओं की बात करें, ये क्या एकदम निकम्मे हो गए? इनको सड़क पर उतर कर आंदोलन नहीं करना चाहिए? इन नेताओं की सबसे बड़ा इम्तिहान तो इन नेताओं का है, जब आप नहीं कर रहे हो तो योगी तो करेगा ही करेगा। ये नेताओं के इम्तिहान का समय बाकी है आपको लगता है या समय निकल चुका है? नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सच बात ये है जो आपके सवाल में है कि वाकई अब तो ऐसा लगता है कि नेता भी हार मान चुके हैं मन से, वो लड़ते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? अब मैं इसीलिए उम्मीद से अगर देखता हूँ तो उत्तर प्रदेश की आवाम को देखता हूँ, आपके रोजगार पर, शिक्षा पर, भर्ती शिक्षक भर्ती घोटालों पर, आपकी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी के सवाल पर। अब ये सरकार कुछ नहीं करेगी आपके सामने दिखने लगा है। दूसरी तरफ अन्याय अत्याचार के शिकार आप होंगे, आपकी जात बिरादरी के लोग मारे जाएंगे। ये कहा जा रहा था यादव तो ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो यादवों को सड़क पर आना चाहिए कि भाई बचाओ वो नेहा यादव, किसके घर के बच्चे थे? गरीब कमजोर मजलूम लोग, ललितपुर में किसके घर के बच्चे मारे जाए, उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं उम्मीद अगर कर रहा हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से कर रहा हूँ, दलित पिछड़े आदिवासी लोगों से कर रहा हूँ, महिलाओं से कर रहा हूँ। एक बात गौर करिएगा, ये तलवार और त्रिशूल लेकर के जो हिंसा पूरे देश में आग लगाने की जा रही है, इसमें लड़कियाँ नहीं हैं, ये बेरोजगार अपड़ कुपड़ भटकाए हुए लोग जिनको हिंदू बना के नफरत की आग में झोंक दिया गया। अगर इसके सामने महिलाएं सड़क पर आ जाएं, युवा सड़क पर आ जाएं कलम और किताब लेकर, तो वो त्रिशूल और तलवार को हरा सकते हैं। इसमें दिक्कत ये है ना कि आप भी यादव हैं, कृष्ण भी यदुवंशी थे, ललित सिंह यादव भी थे, दोनों की सोच बहुत अलग थी, तो यादव किस ओर जाएंगे? ये कलम वाली जो बात और त्रिशूल तलवार वाली आप बात कर रहे हैं, यहाँ भी तो लोग पढ़ रहे हैं। नहीं देखिए, धर्म ऐसी चीज ही होती है ना, मार्क्स ने तो कहा था धर्म एक अफीम है, वो हृदयहीन जनता का हृदय है। इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ तमाम बुद्ध
फूले, पेरियार, साहू जी, अम्बेडकर, लोहिया, इन सब ने जो धर्म को जिस रूप में देखा, उन्होंने कहा एक धर्म होता है वो जो आपका लोक धर्म है, विवाह गीतों में लोक धर्म है, कृषि से जुड़े हुए पर्वों में लोक धर्म है, प्रकृति की पूजा है, वहाँ कोई पंडा पुरोहित नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई मंदिर का बात नहीं। हमारे यहाँ तो मंदिरों में लोग जाते तक नहीं थे, लेकिन वो लोक धर्म था। इस समय जब मंदिर की राजनीति होने लगी तो धर्म हावी हो गया, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि धर्म का काम इतना आसान है, किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाना है, मंदिर में ले जाना, ये काम आसान है, क्योंकि वो बीमार है, बेकार है, गरीब है, कमज़ोर है, मज़लूम है, सरकार और समाज से उसको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, उसको लगता है कि ये मंदिर में हमको सहयोग मिलेगा। तो कुछ लोग बहुत स्वाभाविक रूप से मंदिर की तरफ जाते हैं, कृष्ण की तरफ जाते हैं, अतीत है उनका। ललई सिंह यादव का काम सामाजिक न्याय का काम, तर्क विवेक वैज्ञानिकता का है, मोहब्बत का है, इस काम में हमेशा मुश्किल रही है, यह काम आसान नहीं है। अब जिम्मेदारी किसकी थी इस मुश्किल काम को करने की? सामाजिक संगठनों की, हमारे जैसे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, जागरूक लोगों की। वो सब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, पे बैक टू सोसाइटी अब कहीं नहीं हो रहा। जो पैसा कमा लिया है वो अपना परिवार चला रहा है, जो ज़्यादा कमा लिया है वो हिंदू बन रहा है ताकि पैसा बच जाए उसका, उसके घर ईडी सीबीआई की रेड न पड़ जाए। ये पूरी तरह से सोशल कल्चरल मूवमेंट कोलैप्स कर गया है। तो अंतिम बात, ऐसा नहीं है कि अब सारे यादव कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, कृष्ण उनके लिए एक अलग प्रतीक है, कृष्ण की अलग अलग व्याख्याएं भी हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ धर्म की वह व्याख्या जिसमें मंदिर आएगा, जिसमें धार्मिक ग्रंथ आएंगे, जिसमें देवी देवता आएंगे, वह पूरी बहस बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में चली जाएगी, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। आप राम को कृष्ण से नहीं हरा सकते, क्योंकि वो बुद्ध को अम्बेडकर, बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं, कुछ देर में अम्बेडकर को बना देंगे, ये वो शातिर लोग हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ललई सिंह बनना तो बहुत मुश्किल है, यादव लोग, और खुद मैं भी अपनी बात कहूँ तो मैं ललई सिंह जैसी बात करने, उनके कदमों पर चलने के लिए मैं भी सक्षम नहीं हूँ। हम कमज़ोर लोग हैं, हम उतने नाकारा लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दो दोनों को एक तरफ, मंदिर का विरोध नहीं कर सकते तो मत करो, एक सवाल तो पूछो कि मंदिर के आड़ में तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है। तुम कृष्ण को पूछते रहे, वो राम के नाम पर दंगा करा लेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कृष्ण के नाम पर दंगा नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण कभी जीत नहीं पाएंगे फिलहाल जो दिख रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म की अफीम चटाकर जो पूरे देश में हकमारी की जा रही है बहुजनों की, उससे लड़ने का केवल एक तरीका है, आप राजनीतिक दलों को छोड़िए, जनता बन के सड़क पर उतरिए, अपने नौजवानों को सड़क पर लेकर शिक्षा का सवाल करिए, रोजगार का सवाल करिए, ये नफरत भी आग बुझ जाएगी, और दूसरी तरफ आपके बुनियादी मुद्दे, जिससे आपका परिवार चलता है, आपके घर में रोटी बनती है तो उस पर मंदिर का कोई असर नहीं, मंदिर का चंदा तो पुजारी ले जा रहा है, मंदिर की आग लग रही है तो उसका फायदा बीजेपी जैसे संगठन उठा रहे हैं, जब तमाम हिंदूवादी संगठन आग लगाते हैं तो उनकी कुर्सी बचती है, आपका परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि यादव लोग ललई सिंह यादव बने। अरे अपने नेहा यादव जैसी बेटी का न्याय तो दिलवा ले, वो सड़क पर तो उतरे, अगली बार कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी महिला का इस तरह न्याय ना हो, पुलिस खड़ी है आपके सामने, पूरा तरह से पुलिस स्टेट बन चुका है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। राम राज्य क्या होता है, मनुस्मृति का राज क्या होता है, ये देखना तो उत्तर प्रदेश जाइए। मैं कंडेम्ड करता हूँ और उत्तर प्रदेश के आवाम से कह रहा हूँ, बचने का एक तरीका है, जन आंदोलन खड़ा करिए। लोहिया कहते थे सड़कें खामोश हो जाए, संसद आवर हो जाए, उतर जाइए सड़कों पर, देखिए कितने को गोली मारते हैं, कितने को वो जेल में बंद करेंगे। थोड़े अरे भाई ईवीएम को बचाने जो लोग गए उनके लोग जेल में हैं, नेता क्या कर रहे हैं। अब आम आदमी 1000 का सिलेंडर, उसमें 50 पैसे उसको बच रहे हैं, वो पैसा बचाए कि सड़क पे उतरे, ये भी तो दुविधा है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए क्रांति देखिए तब तक नहीं होती जब तक कि वो वर्ग सड़क पर नहीं आता जो सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। आपको वैसे भी मारा जाएगा, जितने यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू बन गए, क्या उनको कुछ बहुत राज मिल गया? क्या कुछ भी नहीं मिला? तो वैसे ही जो नहीं बोला जा रहा वो भी मारा जा रहा है, जो जो उनकी तरफ है वो भी मारा जा रहा है। आप वैसे भी नहीं लड़ोगे तब भी आपको महंगा सिलेंडर झेलना है, बेरोजगारी झेलनी है, शिक्षा झेलना है, तो आप बिना लड़े भी अगर मारे जा रहे हो तो थोड़ा लड़के मर लो, थोड़ा सड़क पर आकर के शायद कुछ बच जाए। आप चुप रहोगे तो कुछ भी नहीं बचा पाओगे, आप लड़ोगे तो शायद अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हो। जगदेव बाबू कहते थे ना, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी को लोग राज करेंगे। मैं तो देख रहा हूँ कि तीनों पीढ़ी एक साथ मेरे सामने खड़ी है, थोड़े से लोगों को राज करने के लिए कुर्सी दे दी गई और वो चुप हैं। कितना भी अन्याय, दलित पिछड़ों
पर हो जाए वो नेता नहीं बोलते, दूसरे लोग जेल में हैं, हनी बाबू जेल में हैं, तमाम कार्यकर्ता जेल में हैं, और तीसरे लोग मारे जा रहे हैं यहाँ पे, सड़क पर गोली मारी जा रही है। इसलिए अब लड़ने का एक ही रास्ता है, वही लड़ेगा जो कमज़ोर है, जिसका पेट थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा खाली है ना, लड़ाई वही लड़ेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारा कैसे लड़ेगा। सही बात है, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैं अपना प्रोफेसरी तब तक अच्छे से कर सकता हूँ जब समाज में आग न लगी हो। अगर समाज में आग लगी तो मेरे क्लासरूम में भी आग आएगी। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, नेता हैं, कुछ भी हैं, ये आग आपके घर तक जाएगी। इसलिए जन आंदोलन एक सामाजिक न्याय पर एक आमूलचूल क्रांति का वक्त है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को करना चाहिए, यही एक रास्ता है। थैंक यू सो मच।